दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की बड़ी खबर, आज फिर सस्ती हुई चांदी। इन बड़े शहरों में चांदी के दामों में आई आज भयंकर गिरावट। तो दोस्तों आज कितनी सस्ती हुई चांदी इन बड़े शहरों में, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों साथ ही साथ बताएंगे कब तक सस्ती रहेगी चांदी इन बड़े शहरों में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोजाना चांदी के ताजा भाव जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास आए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के इन बड़े शहरों में आज चांदी के दाम कुछ इस प्रकार रहे। दोस्तों चेन्नई में आज एक किलो चांदी 74,200 रुपए की है और मुंबई में भी आज एक किलो चांदी 74,200 रुपए की है। दोस्तों नई दिल्ली में, कोलकाता में आज एक किलो चांदी 69,100 रुपए की है और दोस्तों बेंगलोर में, हैदराबाद में और केरल में आज एक किलो चांदी 74,200 रुपए की है। दोस्तों पुणे में, बड़ौदा में, अहमदाबाद में, जयपुर में और लखनऊ में आज एक किलो चांदी 69,100 रुपए की है। दोस्तों कैमूर, मदुरे और विजयवाड़ा में आज एक किलो चांदी 74,200 रुपए की है। दोस्तों पटना में, नागपुर में, चंडीगढ़ में, सूरत में और भुवनेश्वर में आज एक किलो चांदी 69,100 रुपए की है। दोस्तों मैंगलोर में और विशाखापट्टनम में आज एक किलो चांदी 74,200 रुपए की है। दोस्तों नासिक में आज एक किलो चांदी 69,100 रुपए की है। दोस्तों मैसूर की बात करें तो आज मैसूर में एक किलो चांदी 74,200 रुपए की है। तो दोस्तों आज चांदी के दामों में 900 रुपए की गिरावट आई है और दोस्तों अगस्त 2020 से देखा जाए तो 9,000 रुपए सस्ती हो चुकी है चांदी। तो दोस्तों अगर आप चांदी में निवेश करना चाहते हैं या शादी ब्याह पार्टी के लिए चांदी खरीदना चाहते हैं तो अभी खरीद लें, इन बड़े शहरों में सस्ती है चांदी। और दोस्तों एक्सपर्ट का मानना है कि एक महीने तक चांदी सस्ती रहेगी, फिर शादी का सीजन आने वाला है, शादी के सीजन में महंगे होने की संभावना है चांदी। तो दोस्तों अगर आपको जरूरत है तो अभी खरीद लें, अभी सस्ती है चांदी इन बड़े शहरों में। और दोस्तों ये तो था आज का एक किलो चांदी का इन बड़े शहरों का करेक्ट भाव। दोस्तों रोजाना चांदी के ताजा भाव जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।